Hi, myself Dr. Bhagwat Rajput. I am a senior consultant psychiatrist at Manipal Hospital and also a professor in WCMSR Medical College. तो आज हम बात करते हैं ODD के बारे में. ODD is oppositional defiant disorder. ODD एक oppositional defiant disorder है. ये neurodevelopmental disorder है. इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं. जैसे कि ज़्यादातर जो कारण पाया जाता है कि ब्रेन के डेवलपमेंट में इशू होने से ये बीमारी उभर के आती है. इसमें कॉमनली जैसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है. काफ़ी पेशेंट्स में जो बच्चे होते हैं उनमें जेनेटिकली प्रीलोडेड इलनेस होती है, अनुवांशिकता होती है. उसके साथ साथ ही इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ सोशल फैक्टर भी इन चीज़ों में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. तो इट्स बेसिकली अ बायोसाइकोसोशल मॉडल जिसमें बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. इस बीमारी में काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर होते हैं. जैसे एक फैमिली हिस्ट्री का होना अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है. उसके अलावा अगर बोथ पेरेंट्स वर्किंग है, अपने बच्चे को डिसिप्लिन प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं या अपना समय नहीं दे पाते हैं या बच्चों को जो उनके इमोशनल डिसरेगुलेशंस होते हैं उसको मैनेज करने के लिए पेरेंटल सपोर्ट नहीं मिल पाता है या फिर बच्चे किसी और बच्चे को जो ऑलरेडी ODD या कंडक्ट से सफ़र कर रहा है उसको देख के मॉडलिंग करना शुरू कर देते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स बच्चों को ODD के बीमारी के लक्षण बढ़ाने में सहायक हो जाते हैं. ODD के लक्षण जो है ओपोजिशनल, तो सिंपली आपको अगर किसी को डायग्नोज करना है या आपके ऑब्जर्वेशन में किसी में आगे के जो मैं सिम्टम्स बताऊंगा वो पाए जाते हैं तो यू कैन इजीली मेक इट आउट. दे आर ऑफन एग्रेसिव, ऑफन इम्पल्सिव, ऑफन आर्गुमेंटिव, ऑफन डिसरप्टिव और वायलेंट. तो एग्रेशन, इम्पल्सिविटी, आर्गुमेंटिव नेचर, दे आर ऑफन इनडिसिप्लिन, तो ये अगर सिम्टम किसी बच्चे में पाए जाते हैं तो वहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी होती है कि वो ODD बीमारी से ग्रासित हो. ओपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर का जो डायग्नोसिस है दैट इज बेस्ड ऑन द क्लिनिकल क्राइटेरिया. जो पेशेंट्स हमारे क्लिनिक्स में आते हैं हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं. जो पेरेंट्स होते हैं पेशेंट के, जो मदर और फादर है, वो अपनी हिस्ट्री हमें देते हैं. उनके बिहेवियर के बारे में, अलग अलग सोशल सर्कमस्टेंसेस में उनका बिहेवियर किस तरह का रहा है, उसके आधार पे जो ICD और DSM क्राइटेरियाज होते हैं उन क्राइटेरिया में अगर उस बच्चे के लक्षण फिक्स हो जाते हैं तो उसके साथ साथ भी उसमें जो सोशो ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट होता है, जैसे बच्चे को सिर्फ सिम्टम होना ही पूर्णता ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा उसकी वजह से उसका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उस पर भी इम्पैक्ट आना चाहिए और जो उसका सोशल सर्कल है या कल्चरल सर्कल है या उसका जो बिहेवियर है उस पर भी इम्पैक्ट आना चाहिए. तो जब ये तीनों चीज़ें मैच करती है क्लिनिकल जजमेंट से, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से, जो पेरेंटल हिस्ट्री है पेरेंट हिस्ट्री से, तो हम उसको फिर ODD का डायग्नोसिस दे देते हैं. ODD एक न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर है. जैसे कि मैंने बोला इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो जेनेटिक फैक्टर्स तो हम लोग करेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट जो सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं उनके करेक्शन के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है. जैसे अगर पेरेंट्स बच्चे के प्रति एम्पैथेटिक हो, उसको अच्छे से सुने, उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे, उनका कम्युनिकेशन, पेरेंटल कम्युनिकेशन अगर बच्चे के साथ अच्छा रहे, उसकी जो भी डिमांड्स है अगर वो लॉजिकल और रैशनल डिमांड है उनकी फुलफिलमेंट हो, अगर कोई डिमांड पूरी नहीं हो सकती है तो उसको रैशनली लॉजिकली उसको बताया जाए कि उसकी वजह क्या है. उसके अलावा जब भी वो कोई अच्छी चीज़ करता है तो उसको पॉजिटिवली लेके उसको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट करे, कुछ अवार्ड या स्मॉल गिफ्ट दे दे, और नेगेटिव जो उसका बिहेवियर रहेगा उसको डिसिप्लिन वे में या नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में, जैसे कि जो चीज़ ऑलरेडी उसको दे रहे हैं उसको विथड्रॉन करके मैनेज करे, ताकि उसको एक क्लियर डिसिप्लिन वे में पता रहे चीज़ों का कि मैं अगर इस तरह का बिहेव करूँगा तो मुझे घर वालों से ये रिएक्शन मिलेगी और मैं इस तरह का बिहेवियर करूँगा तो मुझे ये रिएक्शन मिलेगी. तो ग्रेजुअली व्हाट विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसका बिहेवियर ऑटोमेटिकली मॉड्यूलेट होता जाएगा और ही विल बी मोर डिसिप्लिन, केयरिंग, एम्पैथेटिक चाइल्ड. ODD में सबसे जो सफल थेरेपी है वो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें हम जो पेशेंट के कन्फ्लिक्ट्स है, पेशेंट के जो इश्यूज़ है, उसके जो बिहेवियरल इश्यूज़ है, जो कॉग्निटिव इश्यूज़ है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है, उस पर काम करते हैं. उसके अलावा जो रिलैक्सेशन थेरेपीज़ है, इफेक्टिव फैमिली थेरेपी भी इन चीज़ों में पेशेंट को हेल्प करती है. तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, रिलैक्सेशन थेरेपीज एंड द फैमिली थेरेपी, ये सभी प्रकार की थेरेपीज़ ODD में अच्छा रोल प्ले करती है. ODD एक मोर ऑफ क्रोनिक इलनेस है जो लंबे समय तक रहती है, बट अगर हम फार्माकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट इफेक्टिवली करते हैं तो काफ़ी बच्चे, लगभग 90% बच्चे एडोलसेंस स्टेज तक आते आते
काफ़ी अच्छा बिहेव करते हैं और बीमारी काफ़ी लोगों में ठीक हो जाती है, बट उसके रिलैप्स की पॉसिबिलिटीज भी हमेशा बनी रहती है। बट पेरेंटल एक कंसिस्टेंट बिहेवियर रहा, एक कंसिस्टेंट सपोर्टिव इन्वायरमेंट अगर उस बच्चे को मिलता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो 90% लोगों में बीमारी लगभग क्योर भी हो जाती है। कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, बट दैट विल बी मोर ऑफ सिम्टम लेवल, वो उसके एकेडमिक या सोशल या पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करते हैं। ODD के जो पेरेंट्स हैं, दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एरिया फॉर देम ऑल्सो, क्योंकि काफ़ी बार उनको खुद ही समझ में नहीं आता कि उनका एक बच्चा जो इतना अच्छा था, सब चीज़ें हैं, अचानक से इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, इतना आर्गुमेंटिव क्यों हो रहा है, इतना वायलेंट एग्रेसिव क्यों हो रहा है, बात क्यों नहीं मानता है। तो उनको ये समझना पड़ेगा कि ये उसका जो बिहेवियर है ये किसी बीमारी के लक्षण है, उसको जल्दी से आइडेंटिफाई करके कि अगर बीमारी है तो इसका जो कंसर्न स्पेशलिस्ट है जैसे साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इनके पास जाके उसको डायग्नोज करवाना चाहिए। और उसके बाद जो थेरेपीज में उनको गाइडलाइंस दी जाएगी वो उनको फॉलो करनी है। नॉर्मल वे में जो जनरल पॉपुलेशंस है उनमें हम सजेस्ट करते हैं कि अपने बच्चे के साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन रखे। बच्चा चाहे कोई गलत भी चीज़ करता है तो ही शुड हैव इनफ कॉन्फिडेंस कि अपने पेरेंट्स को बताए कि मुझसे गलती हुई है। काफ़ी बार ये होता है कि पेरेंट्स के डर से या डोमिनेटिंग पेरेंट होने से या पेरेंट में आपस में स्ट्रेन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होने की वजह से बच्चे उतने होकल नहीं हो पाते, ना ही वो बोल पाते हैं। तो ऐसे केसेस में पेरेंट्स को एक अच्छा कम्युनिकेशन अपने बच्चों के साथ रखना चाहिए। जो भी वो पॉजिटिव मतलब उसका एटीट्यूड होता है या पॉजिटिव वर्क वो करता है या कोई अचीवमेंट होती है तो उसको प्रॉपरली अप्रिसिएट करना चाहिए। उसको कभी भी जैसे सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी से उसको दूर रखना चाहिए। उसको एक ट्रस्टवर्थी पेरेंट्स का रोल उन्होंने प्ले करना चाहिए। और एक डिसिप्लिन वे में अगर वो कोई गलत चीज़ करता है तो उसका भी जो रिजल्ट है या रिएक्शन है वो भी बच्चों के लिए क्लियर होने चाहिए। मतलब पेरेंटल साइड से ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए।